एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 3 लिस्ट आ गई, लेकिन अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई लिस्ट नहीं आई। लेकिन पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। राज्य की शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि जिनको टिकट देनी है उन्हें पार्टी ने सूचित कर दिया है। आज शिवराज सिंह जी की घोषणा मशीन डबल स्पीड पर, अब कहते हैं मैं हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार दूंगा। ये हर 10 महीने कहते हैं 1 लाख को रोजगार दूंगा, अब तो खुद ही भूल गए कि क्या क्या कहते रहते हैं। और अब कैसे जनता को गुमराह किया जाए, कैसे जनता को मूर्ख बनाया जाए, अब उनका ये अंतिम प्रयास है। सर, कर्ज इतना हो गया कि बजट के आकार से कर्ज बढ़ गया है और घोषणाएं अभी भी मुफ्त की रेवड़ियां अभी भी बढ़ रही है, अभी भी चलेंगी उनकी घोषणाएं, क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे। ये सोचते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता मूर्ख है। शिवराज सिंह जी समझ जाए कि आज मध्य प्रदेश के मतदाता बहुत समझदार है। टिकट वितरण को लेकर आप लोग डर रहे हैं सर, ऐसा बीजेपी कह रही है कि हमारे पास हम जानते हैं किनको टिकट देनी है, जिनको टिकट देनी है हम उनको सूचित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री का नाम लिया भाषण में, अब वो प्रधानमंत्री जाने मुख्यमंत्री जाने नाम से बच रही है, कुछ बड़ा ऐलान होगा से बच रही है। सर, आप सिलेंडर की बात करते, बहनों की बात करते, वो लाडली बहन ले आए, वो अब सिलेंडर भी 450 रुपए बांटने वाली है, कांग्रेस के कार्ड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब चीज हमारी नकल कर रहे हैं। वो करते जाए, पर क्या जनता मूर्ख है, वो जानते हैं ये 2 महीने के मेहमान। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर दी है। शुक्रवार को दिल्ली में कमलनाथ, दिग्विजय समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हुई थी। इस दौरान पार्टी ने मध्य प्रदेश में उन 66 सीटों पर विचार किया जिन पर लगातार हार मिल रही है। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि 5 अक्टूबर के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।